जे धर्म ही घर छड़ के आ गए फिर साढ़े को किसानी संघर्ष नहीं लड़िया जाना, पर जे असी अपना धर्म छड़ना हुंदा ते असी अपना धर्म पाकिस्तान छड़ के जमीना दे मालक बन सकते सी। असी पाकिस्तान जमीना छड़ के आए हाँ क्यों, क्योंकि सानू साडा धर्म प्यारा है। असी इस घोल दे विच पहलवानां दी सेवा करन दे आ, ओह पहलवान भावें तेल दीआं मालशां नाल सेवा करवा लैण ते जे ओह हार के आ गए फिर सेवा दूजी भी बनती है। पर साडा भाजी स्टेज वाल कोई लैणा देणा नहीं, असीं तां अपना काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, स्टेज वाल जाते ही नहीं, इसे करके नहीं जाते भी रोज़ कोई ना कोई बयानबाजी उत्थों हुंदी आ। जिहड़ा भी धर्म का बंदा है, कोई राम राम करे, कोई अल्लाह करे, कोई वाहिगुरु करे, इदां दे काम कराओ स्टेज तों ते मोर्चा वधिया चलेगा। भाजी ये संघर्ष जिहड़ा हक जूझ के मतलब हक लैंदा संघर्ष है, ये भुखड़ दा लाल संघर्ष नहीं हैगा। जिहड़ा मोदी ने पैसे पाए किसान 2-2 हज़ार रुपया, एक वड्डा जिहा बंगला लवांगा भाजी, कमाल की गल है। जो पत्रकार सवाल कर सकते भी 2000 रुपये का क्या करोगे, तो भाजी फिर अं जवाब नहीं दे सकते भी 2000 रुपये का ये कुछ करेंगे। किसानी संयुक्त मोर्चे च मौजूद हाँ, तो जिथे किसानों वालों प्रदर्शन किया जा रहा, तो उत्थे किसानों के हक च कई तरह के जड़े आ लंगर वेखण नूं मिले सी। सो हुण जत्था दमदमी राजपुरा वालों जड़ा एक लंगर है लगाया गया है, तुसीं देख सकते हो कि रोज़ाना जरूरत दीआं जिदा चीज़ां शैंपू तेल कोलगेट बुरश अते होर जराबां दा जड़ा रोज़ाना हर व्यक्ति दी रोज़मर्रा दी जिंदगी च कम आने वाली वस्तुआं उन्हां दा जड़ा लंगर है इत्थे हुण लगाया गया, तो उस दे नाल मैडिकल कैंप भी जड़ा उन्हां वल्लों लगाया गया। सो असीं गलबात कर लैने आ परवाना जी हुणां नाल, तो उन्होंने गलबात करते हैं। परवाना साहब, लंगर थोड़े वालों लगाया गया सी पहले भी दवाइया का, हुण रोज़मर्रा दीआं जिहड़ियां वस्तुआं उहदा लंगर लगाया गया। सो तुसी जे सिक्खी मुद्दे की गल करिए बड़ा बेबाकी नाल गलबात करते जे, तो बड़ा बेबाकी नाल सिक्खी मुद्दों के उत्ते बोलते जे, लेकिन कल स्टेज तो गल हुई सी कि धर्म अपना घर छड के आओ ते किसानी नूं सिर्फ लै के आओ, किस तरह देखते उस बयान जी? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। देखो साडा ना ये फर्ज है, तो देखो गल इदा भी जदों आप गल करते हैं सेवावां दी, तो साडा मुढ़ला फर्ज आ जिथे दमदमी साहब राजपुरी टीम दवाइया से बदम से डीजल से उत्थे नाल जिहड़ी भी चीज़ साडा परिवार कोई अगर मंगता है, दवाई मंगता है, साबण तेल वाशिंग कुछ भी जराबा गर्म कपड़े कुछ भी मंगता है, असी सारी वो देने की प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। जिहड़ी तुसीं गल कर रहे हो ना भी धर्म घर छड के आओ, जिहड़े वीर ने बोले वे ते किसानी, देखो गल इदा वीर जी, जे धर्म ही घर छड के आ गए फिर साडे कोलों किसानी संघर्ष नहीं लड़िया जाना, क्योंकि सानू जिहड़ा स्पिरिट दिंदा है जदों असीं आने राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई देख देख फतेह पंथ की जीत, साडे धर्म दे बोले ने जो बोले सोने हाल सत श्री अकाल, सानू इहदे नाल एनर्जी मिलती है, मोटीवेशन मिलती है, असीं अरदास कहिंदे आ अड़े सो चढ़े शरण परे सो तरे, ये सानू मोटीवेशन मिलती है। जो असीं खालसे दे बोल बाले अपने धर्म दे बोल बाले घर छड के आ जाएंगे ना, असीं मोटीवेट नहीं हो पावांगे। तो दूजी गल, जिहड़े स्टेजां तों हाथ जोड़ के बेनती करते हैं तुहानू भी तुसी अपना धर्म बेशक छड दिओ, पर जे असी अपना धर्म छड़ना हुंदा ते असी अपना धर्म पाकिस्तान छड के जमीना दे मालक बन सकते सी। असी पाकिस्तान जमीना छड के आए हाँ क्यों, क्योंकि सानू साडा धर्म प्यारा है। धर्म बिन इस करके जो आप करते हैं, राज बिना ना है धर्म चला है, धर्म बिना सब दला मला है, धर्म तो बिना तो कुछ है ही नहीं। ये राजनीति जो कुछ भी है जे धर्म नाल चलेगा सारा कुछ चंगा होएगा। सो इस करके इन लोगों को पता ही नहीं व्हाट द मीन ऑफ रिलीजन, धर्म की है, धर्म का मतलब है त्री धातु निकलिया जोड़ना, ये रिलीजन में बन जाता रिलीजो टू री यूनाइट पार टुटे जोड़ना, ये अगर जाके मजहब बन जाता मजहब जोहब चो निकलिया जिसका मतलब है चानन का रस्ता ज्ञान का रस्ता। इन्हों पता ही नहीं भाजी, इन्हें सोच एक ही है भी इतने तो निशान क्यों ला ले इतने तुम आह कोई कर लिया, पर साडा भाजी स्टेज वाल कोई लेना देना नहीं, अपना काम कर रहे हैं सेवा कर रहे हैं, स्टेज वाल जाते ही नहीं, इसे करके नहीं जाते भी रोज़ कोई ना कोई बयानबाजी उत्थों होंगी आ, रोज़ कोई ना कोई गल लोगों में जाती है। मैं तो स्टेज में खड़े लोगों को एक बेनती करा भी स्टेज में उत्थे धार्मिक कीर्तन स्टेज बना दो,
कोई प्रचार करे ही ना, कोई बोले ही ना, कोई रोला पावे ही ना। क्यों? क्योंकि रोज़ कोई ना कोई गल होंदी है, रोज़ बवाल खड़ा होंदा है, रोज़ कोई ना कोई बयान उन्हें फिर माफिया मंगते हैं, कवर करते हैं। सो इस करके नरोल इतने कीर्तन चले, जिहड़ा भी धर्म का बंदा है, कोई राम राम करे, कोई अल्लाह करे, कोई वाहिगुरू करे, इदां दे काम कराओ स्टेज तो मोर्चा वधिया चलेगा। हुण जिस तरह मोर्चा चल रहा है, अगों हुण भुख हड़ताल शुरू कर दी गई है उन्हां वल्लों, होर खूनदान कैंप के नाल उन्होंने कहा कि रोज़ एक खत जिहड़ा खून नाल लिखा मोदी सरकार तक पहुँचाया जाएगा, बाकी उन्होंने बयान तो समर्थन जे भाजी मैं इस गल वैसे एग्री नहीं करता भी खून नाल लिख के असी लैटर भेज रहे हैं मोदी तो, कोई असर है कि मोदी तक कोई लैटर पहुँचता होएगा? तुसीं भी पत्रकार हो कि मोदी तक कोई लैटर पहुँचता होएगा कि मोदी नूं इस चीज़ का असर है? तो जिन्ना मोदी साढ़े 100 तक किसान मर चले हैं, मोदी नूं तां नहीं फिक्र, लैटर लगी फिर फिक्र पेगा मोदी नूं। सो इस करके हाँ कोई भुख हड़ताल से बैठा ठीक है, पर जिहड़ा जिहड़ा जिवें जिवें चंगा लगता करी जाए, पर भाजी ये संघर्ष जिहड़ा हक जूझ के मतलब हक लैंदा संघर्ष है, ये भुख हड़ताल नाल संघर्ष नहीं है। होर एक गल नरेंद्र मोदी वालों आया सी कि खातियां दे विच 2-2 हज़ार रुपया पाया गया, किस तरह देखदे उन्हां दे? भाजी खातियां में 2-2 हज़ार रुपया पाया, पहला तो मैं तुहानूं दसणा भी 2-2 हज़ार रुपया भाजी ये तो वरतना किवें है। सो जे गुरु ने कृपा की असं मोर्चे तो वेले हो गए, मैं एक वीर की गल सुनी सी, मैं भी नाल ही बोलांगा भी मैं सब तो पहला एक दिल्ली के वड्डा जिहा बंगला लवांगा 2 हज़ार रुपए के विचों, जिहड़ा मोदी ने पैसे पाए किसानां दे 2-2 हज़ार रुपया, एक वड्डा जिहा बंगला लवांगा। उस तो बाद भाजी जे मेरे मन च आई तो मैं कोई घट्टो घट ज़्यादा नहीं तो कोई 1 किले की वड्डी फैक्टरी खरीदांगा ये नरेले विच जिथे मैं मोजो बुलाया इत्थे। उस तो बाद भाजी जे फिर मेरे को जिहड़े पैसे बचणगे तो उहदी भाजी फिर आपां नाना करदे आ, जिहड़े वीर ने उह वी डिटो बोल रहे 20,000-2,000 विघे जमीन जिहड़ी आ दिल्ली दे नेड़े खरीदांगा, तो फिर जिहड़े पैसे बच जाणगे फिर मैं आराम नाल सौवांगा तो अपनी जिंदगी जिहड़ी आ किसे 5-star होटल विच गुजारांगा। सो भाजी पैसा एडा पैसा किसे सिस्टम नाल लावांगे, 2,000 च इन्ना कुछ आ जाऊगा भाजी? कमाल दी गल है, जो पत्रकार सवाल कर सकदे वी 2,000 रुपये का क्या करोगे, तो भाजी फिर अं जवाब नहीं दे सकते भी 2,000 रुपये का ये कुछ करेंगे। सो इस करके अं तो बंगले खरीदा, कोई 1,000-2,000 किले जमीन खरीदा, 5-star होटल च रह के जिंदगी गुजारा, 2,000 रुपये का तो थोड़ा होता भाजी, तुम ना खर्चो मुकदा ही नहीं। हाँ जी बिल्कुल। सो हूँ किसानी घोल जरा चल रहा, सो किसानी घोल के नाल किस तरह समर्थन करोगे? भाजी किसानी घोल चाल साडा समर्थन सेवा है, सानू कुछ नहीं लैन देना स्टेज पर की हो रहा की नहीं हो रहा, नहीं तो असी अगे अक्सर स्टेजों के कोल रहने, स्टेजों पर बोलते सानू बुलारे तौर पर बुलाया जाता है, पर असी नहीं जाते, असी इस घोल के पलवाना की सेवा कर रहे हैं। वो पलवान भावें तेल दिया मालशा सेवा करवा लैन, तो जो हार के आ गए फिर सेवा दूजी भी बनती है, वह भी तैयार बैठे हैं करने। असं बलविंदर सिंह परवाना जड़े कि सिख मुद सिख आगू ने तो सिख मुद्दे से काफ़ी बेबाकी गलबात करते हैं, सो उन्होंने वालों हूँ इतने किसानी संघर्ष से कैंप लगा के लोगों की जी सेवा की जा रही है। सो जो वालों रोज़मर्रा दीज़ा होंगे जिदा तेल पेस्ट कंघिया सो साबण होर जो भी रोज़मर्रा की रोज़ जिंदगी वरतन वाली चीज़ा वह भी उन्होंने वालों लंगर लगया गया, तो उस ही मैडिकल कैंप भी जोड़ा परवाना जी होना वालों लगया गया, तो सेवा से जोड़े आ किसान डटे होए है। तो कहना उन्होंने यही है कि चाहे उस स्टेज पर जाके ना बोलन, चाहे उस स्टेज के लागे जाके ना खड़न, लेकिन जिनी चिर तक मोर्चा फतेह नहीं हुंदा वो किसानों के नाल खलोते आ डटे आ तो डटे रहेंगे। कैमरामैन गुरदयाल सिंह दे नाल मुकेश मेहरा, सुरखाप टीवी, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली।